वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। अभी हम हैं गुप्तकाशी से कुछ किलोमीटर पहले, गुप्तकाशी एक किलोमीटर पहले है बाई रोड, और वैसे जाए तो कट था यहाँ से। हम डोली के साथ ही, अरे यार जा भाई जा जा, हम डोली के साथ ही यात्रा कर रहे थे तो बीच में ये रोड आया, तो मैं आपको ये सब साइन बोर्ड दिखाने आ गया जहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू कर सकूँ, क्योंकि पिछली वीडियो हमने यहीं पर ख़त्म करी थी। तो और लिखा हुआ है सिद्धपीठ काली मठ प्रवेश द्वार, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से आपको 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और केदारनाथ के लिए 48 किलोमीटर, और कालीमठ मंदिर 9 किलोमीटर। ये सब और होम स्टे ये सब भी बने हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट खाना पीना ये सब भी है यहाँ पे। और यही वो रोड है जहाँ से लोग जाते हैं, और हम यात्रा में तो थे ही उनके साथ ही। चौमासी लिखा हुआ है, ये देखो 25 किलोमीटर। वाह क्या दृश्य है इन सब के साथ। आज हम आपका स्वागत करेंगे और पूरा दिखाएंगे गुप्तकाशी में डोली का प्रवेश, मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। शुक्रिया। ये सलाम वालेकुम वाले। किस तरफ जा रहे हैं आप? गुप्तकाशी। गुप्तकाशी हमें छोड़ देंगे गुप्तकाशी में, हम पीछे खड़े हो जाते हैं। जगह जगह नहीं है, आगे भी नहीं लग रही, एक बंदे की जगह है बस। तुम बैठ जाओ। नहीं तुम पीछे दूसरी गाड़ी में आते हो। देखिए एक बार वो जगह लग रही है कि नहीं लग रही है। वो पीछे तो सामान है वैसे, पर मैं खड़ा हो भी सकता हूँ। सामान है, सामान है, सामान। ठीक है जाने दो, बोलो ले जाओ। कोई बात नहीं, आप चले जाइए भाई। धन्यवाद, शुक्रिया। चलो गुप्तकाशी के लिफ्ट थी, चलो मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी दोबारा है। यहाँ पे स्पेस कम है रोकने का, ये प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो अब 1 ही किलोमीटर बचा है वैसे, तो वॉक भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दो लोग आ जाएंगे क्या? ओके थैंक यू। लेट हो रहा है, ये पकड़ो। हाँ ओके थैंक यू। गुप्तकाशी 1 किलोमीटर की लिफ्ट, धन्यवाद धन्यवाद। ये देखो यहाँ से फाटा 14 किलोमीटर, गौरीकुंड 33 किलोमीटर, और केदारनाथ 54 किलोमीटर। लगभग हम गौरीकुंड में पहुँचने वाले हैं अब। और रास्ता देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे होटल होटल सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, कोई कमी नहीं है। देखो कितने सारे होटल होटल गुप्तकाशी में भी आप यहाँ पे रह सकते हो, बहुत सारे आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो भाई डोली पहुँच गए, यहाँ पे देखो कितना शोर है। ओहो इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, देखो पूरा चारों तरफ हर बिल्डिंग में भीड़ ही भीड़, रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग। ये देखो भाई गुप्तकाशी में दिल्ली से यात्रा करते करते मैं 425 किलोमीटर आ गया, हरिद्वार से 203 किलोमीटर आ गया। अब अगर मैं दिल्ली जाना चाहूँ तो 425 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से, जिसमें कि पहाड़ का भी काफ़ी रास्ता होगा, तो ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही मान लो, क्योंकि हरिद्वार तक तो पहाड़ी पहाड़ है और स्पीड स्लो रहेगी, उसके बाद प्लेन आएगा। चलो देखते हैं कब पहुँचते हैं वापस। फ़िलहाल तो गुप्तकाशी पहुँच गए, यहाँ से आगे यात्रा कब जाएगी देखते हैं। हमारे पास सोने का भी सामान नहीं है, टेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो देखते हैं कैसे होता है। देखो भाई पहुँच गए, लेकिन लग नहीं रहा इसके अंदर हम जा पाएंगे, इतना ज़्यादा भीड़ है। ये देखो यहाँ पे गुप्तकाशी में पहुँचे, ये पुराना सा घर कितना वो दिखाई दे रहा है, ऐसी गलियाँ हैं गुप्तकाशी की। गाड़ी वाड़ी तो आ रही है लेकिन उसके अंदर ठुक गया, लाइव एक्सीडेंट ठुक गया, लाइट टूट गया लाइट, अब लड़ाई होगी यार। वो रुक गया बीच में, अब लड़ाई होगी। लड़ाई देखूं क्या व्यू देखूं समझ नहीं आ रहा, लड़ाई भी हुई है। अरे वाह यहाँ से दिखाई दे रहा है व्यू भाई, ओ भीड़ ही भीड़, ऊपर मेरा हाथ नहीं जाएगा लगता है। सोचो रहने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, मतलब एक अच्छा बेड मिल जाए कि आपकी नींद पूरी हो जाए, और खाना मिल जाए, ये सब हो जाए, और हमारा सब कुछ हो गया कैसे? कैसे भारत यात्रा के बोर्ड से। भारत यात्रा का बोर्ड लेके हम गली में चल रहे थे, 3-4 घंटे हो गए हम इस प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं। ये वाला होम स्टे है, और जो भाई हमको मिले थे वो उन्होंने हमारी यात्रा देख रखी थी, तो उनका ये बोर्ड है ट्रैक ऑन इंडिया ये करके, और यहाँ पे ये होम स्टे है। मैं इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, एक उसमें देख लेना आप। यहाँ पे देखो इस तरह के रूम बने हुए हैं,
ये डबल बेड है वो अटैच्ड वॉशरूम है, एक और सिंगल बेड उधर लगा हुआ है, ये चार्जिंग का स्लॉट वगैरह है, और ये रूम है। यहाँ से विंडो से कुछ इस तरह का नज़ारा, ये वाला देखो, ये वाला नज़ारा, ये गैलरी है। यहाँ पे एक और रूम है इस तरह का, बाहर चेयर वगैरह लगी हुई है, क्या सुंदर नज़ारा। अभी ये तो शाम का है ना, ये वाला रूम हमें मिला, ये देखो ये वाला रूम हमें मिला, और हमारे भी रूम से यही वाला सा नज़ारा। टोटल तीन रूम, चार रूम तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और भी शायद इनका पीछे भी है एक और। और सामने का नज़ारा देखो, ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, गुप्तकाशी पूरा दिखाई दे रहा है, और सामने ऊखी मठ भी दिखाई दे रहा है। बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, सो के उठाऊँ मैं। अभी 3-4 घंटे पहले पहुँचे थे हम, अभी देखो यहाँ पे फिर से बारिश हो गई, सरस्वती आ जाओ। और यहाँ पे किचन में बना के हमने ना भिंडी रोटी खाई, भिंडी कटी हुई थी तो भिंडी हमने बना ली थी। अब चाय पियेंगे शायद, देखते हैं। आपने चाय पी ली थी क्या? हमने चाय बनाई रखी थी जो पी ली? हाँ, पी तो मैं तब उधर चले गए ना पीछे। हाँ, हम आवाज लगा रहे थे। अच्छा, मैं पीछे चले गए था तो वहाँ उनका फोन आ गया कि थोड़ा यहाँ आता, मैं वहाँ चले गए। फिर ठंडी तो नहीं हुई चाय? ना, तब गरम गरम कर ली। गरम, अच्छा ठीक है, चलो सही है, गरम करी ना। अभी बनाओगे चाय तो हमारे लिए भी बना लेना जब भी बनाओगे। वो सब कहाँ गए, दिख नहीं रहा कोई? वो तो कुछ कुछ तो चले गए। हाँ, कुछ दो तीन ही है। अच्छा, चलो ठीक है, कुछ चले गए। बताना अरुण भाई को, अक्की भाई को फोन करो। सरस्वती, सरस्वती भी शूटिंग कर रही है वहाँ पे। ये देखो क्या सुंदर नजारे हैं, बाकी दिखाते रहेंगे आपको। अभी तो शाम के 6:30 बज गए ना, तो उजाला थोड़ा सा कम हो गया है। आईफोन इसीलिए लेने की सोच रहा हूँ कि अगर आपको शूटिंग करनी है ना, तो मैं एक टिप दे देता हूँ आपको कि अगर गोप्रो लोगे तो फिर इस टाइम का शूट नहीं कर पाओगे, अगर आईफोन लोगे तो मतलब रात का भी आप शूट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है गोप्रो का, और प्लस पॉइंट है आईफोन का कि आप किसी भी टाइम पे कैसा भी शूट करो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा आता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, और जूम भी कर सकते हो। ये सारे आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, इसीलिए लोग मुझसे पूछते हैं मोबाइल ले या कैमरा ले। तो आईफोन मेरे ख्याल से अभी तक का शूटिंग का हमको जो बेस्ट लगा है। सर कहते कैसे देख रही है वो आपकी भाई को फोन करो, देखो पूछो वो कहाँ चले गए। हम तो सो के उठे हैं, अभी हम तो अभी सो के उठे हैं, बहुत तेजी से पाँव दुख रहे थे हमारे। उखी मठ दिखाई दे रहा है, उखी मठ सामने है, और ये गुप्तकाशी है, ऊपर काले बादल है, उधर गोरे बादल है, मौसम भी इसका एंट्रो कराऊं। चलो अब भी थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। ये देखो डोली आगे निकल गई है, इंस्टाग्राम के लिए मैंने शूट कर लिया है, जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको दिख पाएगी। कुछ फ्रेमिंग होती है कि बस एक ही बार आप शूट कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम के लिए वर्टिकल कर लो या फिर यूट्यूब के लिए हॉरिजॉन्टल। तो अब ये लोग सब जा रहे हैं, जो आगे निकल गई है वो मैंने इंस्टाग्राम पे शूट करी है, जाके देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा देख पाते हैं लोग, इसीलिए हमने वो वाली कर ली। ये देखो आगे जा रही है, इधर से रास्ता भी इधर से ही है, डोली अभी वहाँ से होके फिर वापस नीचे को जाएगी। अभी आज सोनप्रयाग जानी है, कहाँ पे फाटा जाएगी? हाँ, फाटा ना। हाँ, फाटा तो फाटा का रास्ता यही? हाँ, फाटा का यही है। अच्छा, निकल गई है यहाँ से, मतलब पुराना रास्ता इधर ही से जाती है और इधर ही से आई। अच्छा, यही रास्ता है मेन? हाँ, यही रास्ता। ओके, हमको लगा वो मेन रोड पे पहले जाएगी फिर वहाँ से आगे जाएगी। नहीं नहीं, मेन रोड ये पुराना रास्ता है बाबा केदारनाथ का, यहाँ से लाओ कहीं नहीं जाता। अच्छा, और इधर ही से आई। अच्छा अच्छा, सही है। 6 महीने बाद आएंगे ना? 6 महीने, 6 महीने जब दीपावली का टाइम होता ना, बलराज के दिन केदार बाबा का कपाट बंद हो जाते हैं, शीतकालीन स्थल ये उखी मठ में। उखी मठ में, हाँ, उखी मठ में फाइनल वहाँ पे रुक जाते हैं। ये देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग वही पीछे जा रहे हैं, कुछ आगे, और आर्मी के लोग आगे आगे चलते हैं। सरस्वती भी आ गई, ये देखो कितने सारे लोग बैग ले लेके जा रहे हैं, कोई बैग रखे? हाँ जाएंगे ना, चलो। मैं तो सोचा मेन रोड पे जाएगी, तो मेन रोड पे हम जाने को सोच रहे थे, और हमारा जो होम स्टे है वो भी शायद आगे है, तो 3 किलोमीटर वहीं तक चलते हैं आगे तक, है ना? 3 किलोमीटर? हाँ, तो 3 किलोमीटर तक चलते हैं। बस ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो थोड़ी सी वो है। हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं किया, बड़ा अच्छा है। चलो, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। ट्रैक ऑन इंडिया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ के बारे में आपको, यहाँ पे रहना हो गुप्तकाशी में तो यहाँ का प्राइसिंग वगैरह भी फ़ोन पे ही पूछ लेना। बाकी मैं तो निकल रहा हूँ अगली प्रॉपर्टी की तरफ, अगली प्रॉपर्टी भी दिखानी है ना आपको, होटल रिजॉर्ट सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाएंगे इंडिया में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ सुंदर जगहों पर आप रह सकते हो, मज़ा आएगा। बाय बाय। Fist, 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 fist
दर्द को गला।